मैं किसी को वोट नहीं देता, इसलिए कि मेरी नज़र में सब दे आर नॉट एबल टू गेट एनी सपोर्ट बिकॉज दे वो लोग हमेशा अपनी सोचते हैं। मुझे बताइए, ये आदमी कोसता है ना, ये दाढ़ी वाला आदमी कोसता है दूसरों को, क्यों कोसता है? तेरे को जो करना है कर, दूसरों को क्यों कोसता? 70 साल में ये हुआ था, ये हुआ था। अरे जनता एक कपड़े में घूमती है, चार कपड़ों में घूमते हैं देश में और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। लेकिन उनका कहना है कि वो अच्छा दिन लेकर आएंगे देश के। आए अभी तक कितने साल से है वो? किसके लिए लाए अच्छे दिन? मेरे लिए लाए, तुम्हारे लिए लाए, किसके लिए लाए? इनके लिए लाया? नहीं लाया ना। उनका कहना है कि डिजिटल इंडिया है और वेरी गुड, वो तो ऑटोमेटिक होना था, राजीव गांधी के टाइम से आया था वो तो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये इसने पैदा किया क्या डिजिटल इंडिया? श्रेय ले रहा है वो राम को लेकर आए हैं भारत की धरती पर, राम जन्मभूमि के मामले। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है, धर्म के नाम में जो राजनीति होती है वो बंद होनी चाहिए। अरे भगवान तो मेरे अंदर है, राम का मंदिर बाहर क्यों बनना चाहिए? मेरे अंदर है राम, अगर बन भी गया तो क्या होगा उससे? क्या होगा मुझे बताइए आप? ये राजनीति है, ये तो फालतू की बातें हैं। आने दो, आएगी, क्योंकि अंधभक्त है ना जनता, उनको 1200 फ्रीबीज, ये आदमी बोलता था फ्रीबीज, जो आप वाले अपना क्या नाम है केजरीवाल, अब सब तो फ्रीबीज दे रहे हैं, काहे को उनके ट्रैक्टर जो के पीछे लग रहा है? फिर फ्रीबीज बंद करना, तेरे में दम है तो फ्रीबीज की बात करता है ना, फ्रीबीज व्हाट फ्रीबीज, तुम भी वही दे रहे हो, शिवराज भी वही दे रहा है, लाडली बहन, अरे 1200 रुपये 1500 खैरात बांट रहे हो क्या? बोलो उसको करो, जब इसको 2014 में आना था कैसा टसने मारता था ये, और तो जैसे टसने, समझते हो क्या क्या उसने सब बढ़ा दिए, दाम बढ़ा दिए ना, भला किसका क्या, मेरा क्या, आपका क्या, उसका क्या है, अपने बंधुओं का क्या है ना, अडानी अंबानी उन्हीं का भला क्या है ना? अरे एयरपोर्ट की क्या जरूरत है, सड़क की क्या जरूरत है? तुम साले खेत की ज़मीन पर सड़क बना रहे हो, उनको मुआवजा ढंग से नहीं दे रहे हो, सही बात है कि नहीं? तो मतलब इसका नहीं, जनता का आक्रोश है नहीं, जनता तो मरी हुई है, जनता अशिक्षित है। मुझे बताइए, स्कूल बने क्या, अस्पताल बने क्या? नहीं बने ना। एयरपोर्ट में कौन घूमेगा, क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन में कौन घूमेगा? जो 80% लोग है ये फ्री में खाना दे के, अनाज दे के सीना चौड़ा करता है, अरे उनको रोज़गार दो ना, दम है तो, उनको गुलाम बना के रखा हुआ है और उनका वोट